और इधर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 5 साल के अखिलेश यादव की सरकार में तमाम घोटाले हुए और अब एक बार फिर पार्टी ने अपराधियों को ही टिकट दिया। उन्होंने कहा कि अपराधी कौन है ये जनता तय करती है, थाने की हिस्ट्री शीट ये बात तय करती है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, उनसे जानेंगे। ब्रजेश जी, अब पहले आप लोग कह रहे थे कि अपराधियों को दे रहे हैं, आज उन्होंने ट्वीट किया। पार्टी के जो लिस्ट है वो पूरी तरह से घोषित माफियाओं की लिस्ट है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों से घिरे लोगों की लिस्ट है। अपराधी हम उसको मानते हैं जो आम जनमानस में ये शोहरत हो कि ये माफिया डॉन हैं, हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक आंदोलनों के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी भारतीय दंड संहिता के तहत ही दर्ज होते हैं, तो वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की पूरी सूची दंगाइयों, बलवाइयों की और हत्यारे और गंभीर अपराधियों की है। सर, अगर एक सवाल अगर हम आपसे ये पूछें, अभी जिस तरीके की स्थिति है, बार बार समाजवादी पार्टी के RLD के लोग कह रहे हैं कि वेस्टर्न UP में किसान सफाया कर देंगे बीजेपी। आप देखिएगा, परिणाम का इंतजार करिए। 10 मार्च को बीजेपी का कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है? यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की है और तमाम उसमें अपराधी हैं, बीजेपी की जो लिस्ट है उसमें अपराधी नहीं है, और साफ दावा कर रहे हैं कि जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापस लौटेगी। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ।